चलो जी नसीर भाई, चलिए आपकी बातें जारी रखिए। नसीर भाई आपने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया हमारा, इसके लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और आज मैं ये प्रोग्राम आप लोगों का वीडियो जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कमी महसूस हुई कि मैंने एक अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा पल खो दिया। और आप जब ये वीडियो देखा और आप लोगों सबको देखा इस पर स्पीक करते हुए, मुझे ऐसा लगा कि वाकई इस प्रोग्राम में मेरे को भी रहना था। अपने जो अपने ज़िंदगी के जो स्कूल टाइम के जो वक्त थे आप लोगों के साथ भी गुजरे हुए, उसको अपने को भी बोलने का एक मौका मिलता था आप लोगों के साथ में बैठ के। चलिए ठीक है, आप सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी, अहद करो कि आइंदा आने वाले हर प्रोग्राम में इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए अच्छा, आप अपने साथ के पढ़े हुए तालिबो इल्मों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल बेशक कहना चाहता हूँ। हमारे क्लासेस में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी होशियार और बहुत चालाक थे, जिसमें सादिक अली, कप्तान सादिक अली करके कप्तान था। हाँ, कप्तान सादिक अली और भी बच्चे थे, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा होशियार समझने वाला समझता था सादिक अली को। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कभी बोर्ड पे नाम हम लिखा था क्या? हाँ, काफ़ी बार बोर्ड पे नाम लिखता था और मैं उसको मिटा देता हूँ। ये तो मेरी यानी स्कूल लाइन में मेरी वो थी फितरत। अच्छा, सादिक को कभी धमकी दिए क्या? बहुत बार धमकी, क्या तू लिखेगा? नहीं, ढकेल दूंगा मैं, ढकेल दूंगा, एक दूंगा ये हॉल हमारा। और एक मराठी मास्टर थे, उनका नाम था नास्तिक सर, उनका फर्स्ट पीरियड कभी मराठी लग जाए ना तो उनकी एक लैंग्वेज थी ए, तो हम जैसे वो यानी वो भी करते थे, हाजिरी लेते थे एक, तो हम पहले चिल्लाए ओए। तो उससे वो कई बार चिढ़ जाते थे। अच्छा, ये आस्टिकर सर को हम बहुत सताते थे और भी मास्टर थे जिनको हम सताते थे अक्सर करके, लेकिन वो दौर और जो बातें थी अब वो लौट के नहीं आ सकती। और नसीर भाई, आपके ज़माने में एक याकूब सर हुआ करते थे, हाँ, उनकी कौन सी खास बातें जो आपको याद रहेगी अभी तक? उनकी जो चकल्लास और उनको जो बात, इंग्लिश पीरियड हमारा लेते थे और ड्राइंग पीरियड, उनकी जो बात थी यानी वो आने वाले जो आने वाला फ्यूचर, हाँ, भविष्य की बातें करते थे और हम उनको हमेशा उपनाड़ लेकिन फेक, लेकिन जो बातें जो हाँ आज, लेकिन आज वो बाकी, आज उस टाइम बोलते थे एक ज़माना ऐसा आएगा टेलीविज़न रहेगा घरों घरों में और हम घर बैठे दुनिया को देखेंगे। बिल्कुल सही। तो हम लोग उनको जाने के बाद में अक्सर करके बोलते हैं भूख मार रहे हैं। और आज उनके हयात में देखे अपन ने। हाँ, लेकिन वो आ गया था उनके उसमें जी में आया, टीवी आ गया तो वो तो देखे हमने, लेकिन वो उस टाइम वो ज़माने को नहीं देखे, वो बोलते थे क्या चित्रहार कुछ आता था, वो देखने अक्सर करके जाते थे, वो रंगोली, हाँ रंगोली प्रोग्राम, तो अपने घर में तो वो टाइम नहीं आया था तो, लेकिन देखे वो टाइम पे हमने याकूब सर की जो बातें। खुद को रात में 8 बजे स्कूल के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्कूल तो रब्बानी स्कूल तो वाकई एक समझ जाओ अपने इस पर एक मुकाम है, और लेकिन आज का ऐसा है स्टूडेंट और स्टूडेंट और जो बोलते हैं अपने उस्ताद लोग, उसमें मेरे को ज़्यादा वो नहीं दिखता, यानी जो अपने लोगों के टाइम पे प्रेशर था, जो प्रेशर रहता था, अरे मंजू सर, हाँ रवाब, अरे मंजू सर आ रहे, अरे सानी सर आ रहे, आज कादर सर का आज वो है, तो वो आज मैं बच्चों में और मैंने मास्टरों में नहीं समझ में आता मेरे को ऐसा लगता नहीं। कादर सर तो खैर अपने बचपने के मतलब देखे हुए पहले ऐसे प्रिंसिपल थे जो क्लास हम मतलब उनको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, शायद ही अपने को कोई मिल पाए। हाँ, तो साथियों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो डिसिप्लिन के बारे में हर कोई शिकायत कर रहा है टीचर के स्टूडेंट के ताल्लुक से, तो इस बिगाड़ के अंदर में जो सुधार लाना है वो किस तरह से सुधार हो सकता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? अब ऐसा है कि बच्चे यानी इतने एडवांस हो गए है कि मास्टर कि यानी जो इज्जत बोलते हैं अपन लोग जो करते थे कि अगर ट्रेल भी चालू हो जाती थी तो अपन लोग छुप जाते थे, आज बच्चा छुपता नहीं ना, हम लोग तो क्या इधर उधर छुप जाते हैं। क्या हो रहा था अपना जो ये जलसा तशक्कुर है ना, हुआ जो तो उसकी अपनी जो सीढ़ी है वो भी है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर है रब्बानी स्कूल में, तो पहले बड़े बच्चों को 10, 11 और 12